हे गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट ऑन माइनिंग इंडिया। तो यार आज फार्म में अकेला हूँ एज यूजुअल। दैट इज व्हाई यू गेट दिस एफपीवी एंगल्स, कैमरा एंगल्स। ठीक है, तो आई हैव ऑर्डर्ड दिस थिंग। ये यूएसबी पावर टेस्टर है, यूएसबी डेटा ट्रांसमिटर टेस्टर है, जो भी कहना चाहो। और मैंने इसको ऑनलाइन मंगवाने से पहले चेक करा है कि ये डेटा ट्रांसफर अलाउ करता है। ओके, बस ये नहीं कि ये पावर कैलकुलेट करेगा, ये इसके थ्रू अगर मैं कुछ डेटा भी ट्रांसफर करना चाहूँ ना तो मैं कर सकता हूँ ये। तो ये मैं सोच समझ के ऑर्डर करा है। तभी फिर भी यार, यू नो, आई एम नॉट अ एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। तो ये ट्राई करने वाला है। अगर आप ये देख पा रहे हो तो एक यूएसपी टेस्टर है। ठीक है, तो मेरा क्या गोल है कि अपन ये यूज करके कैन वी मेक श्योर कि अपना जो राइजर है वो सही से काम कर रहा है क्या, या अपना जो पोर्ट है, मदरबोर्ड का पोर्ट, वो सही से काम कर रहा है क्या, अपन ट्रेस कर सकते हैं क्या, क्या अपन ये सस्ते से 300 रुपए के ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं क्या, तो ट्रबल शूट और माइनिंग रिग्स। ठीक है भाई, इनोवेशन दुनिया इंडिया में भी काफी हो रहा है। ठीक है, यू डोंट हैव टू फॉलो द बिगेस्ट यूट्यूबर्स, कोई अमेरिका के, इंडियन यूट्यूबर्स की भी नॉलेज की कमी नहीं है। लेट्स ट्राई, हो सकता है कुछ गलती हो जाए, बट वी आर एक्सपेरिमेंटिंग टूगेदर। ठीक है, आपको साथ में जुड़े रहना है जर्नी में। ओके, तो लेट्स ट्राई कि यूएसबी टेस्टर से अपन मदरबोर्ड के स्लॉट को या राइजर को ट्रबल शूट कर सकते हैं क्या। तो देखते हैं, लेट मी ट्राई इट आउट। मैं क्या करता हूँ, आई विल जस्ट टेक इट टू माय मेन पीसी। वहाँ पर मैंने एक version 9 या 10 जो भी राइजर आता है, यू नो, क्योंकि उसमें ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन होता है, इतनी एलईडी लाइट है, तो उस पर ट्राई करते हैं कि यार काम करता है क्या। नहीं हुआ तो विल गो टेस्ट ऑन अदर मदरबोर्ड्स। मदरबोर्ड्स की कमी नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी। ओके गाइस, तो दिस अ मेन पीसी जहाँ से हम सारी रिग्स को एक्सेस करते हैं। ठीक है, थोड़ा फैंसी है, एलईडी वाली, बट इतना भी हार्ड कोर पीसी नहीं है। तो दिस इज द यूएसबी टेस्टर। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले आता है, यहाँ से आप इनपुट, यहाँ से आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक राइजर नॉर्मल यूएसबी में कनेक्ट करा है, इसमें ऑलरेडी 6 पिन पावर दे दी है, तो ऑलरेडी लाइट्स ये सब तो ब्लिंक हो ही रही है, कुछ तो पावर यूएसबी से भी लेता ही होगा यार, डेटा ट्रांसफर भी कुछ तो पावर कंज्यूम करता ही होगा। तो लेट मी जस्ट कनेक्टेड आप। ओके, तो इट्स जस्ट शोइंग मी वोल्टेज दिखा रहा है अभी के लिए, अगर आप देख सकते हो तो 5.1 वोल्ट। ये मेरे ख्याल से यूएसबी पोर्ट से आउटपुट आ रहा होगा। ठीक है, और कुछ नहीं दिखा रहा है बाकी। ये एम्प, ये जो करंट रीडिंग होती है, ये कुछ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ठीक इसलिए यार आप, अरे जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तुम कमेंट करो ना ये क्या है ये, यू नो, या तो मैं ऑनलाइन चेक करता हूँ। तो यहाँ तो ये यूएसबी से बिल्कुल अभी पावर नहीं आ रही है इसको। ठीक है, मुझे क्या लगता था कि यार थोड़ा तो ये यूएसबी से ही पावर आती होगी, बट आई डोंट थिंक कुछ यूएसबी से पावर आ रही है। अभी अपन क्या करते हैं, दूसरे मदरबोर्ड में अपन यार इसमें ट्राई कर लेते हैं ना। जस्ट गिव मी अ मिनट, इसका ये है, इसको डायरेक्ट लगा के भी ट्राई कर लेते हैं। ओके, इसी को थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं। ओके, कुछ पावर आ रही है? नो, ये तो पावर ना, कुछ नहीं आ रहा। ओके, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक दिस थिंग आउट और इसको अपन कहीं और जाके ट्राई करते हैं। ओके, लेट मी गो टू अनदर रिग। ओके गाइस, तो ये एक AMD की रिग है जिसमें RX 570 8GB लगे हैं। तो मैंने क्या करा है, आई जस्ट शो यू माय कनेक्शन। ये यूएसबी टेस्टर यहाँ पे लगाया, राइजर है, राइजर को पावर दे दिए 60A से। ठीक है, और ये यहाँ पर है, लेट्स सी कि इसमें कुछ दिखता है क्या अपने को। जस्ट टर्निंग ऑन, लेट्स सी। ना, बस एक बार के लिए एक लाइट ब्लिंक हुई। ना ब्रो, एक सेकेंड, आई ट्राई वन मोर थिंग। वो यूएसबी टेस्टर को यहाँ पे लगाता हूँ, देखता हूँ। ओके गाइस, तो व्हाट आई हैव डन राइट नाउ, ये राइजर तो नॉर्मली कनेक्टेड है, मैंने यहाँ पे यूएसबी टेस्टर लगाया है। तो लेट्स सी कि ये ऑन करते हैं तो कुछ देखने को मिलता है क्या अपने को। बस एक बार लाइट ब्लिंक हो रही है उसमें।
बस एक बार, ओके, उसके बाद नहीं आ रहा। आई थिंक इतना पावर नहीं निकल रहा है पीसीआई एक्सप्रेस से कि वो अपन चेक कर पाए। तो गाइस आई डोंट नो इसमें कैसे अपन यूज कर सकते हैं, बट यार कोई ना कोई तरीका होगा राइट। मैंने और भी एक दो तरीके ट्राई करे हैं कि जिस जो पोर्ट में मैं जो मेरे को शॉर्ट शॉर्ट पता था कि जो पोर्ट कुछ मदरबोर्ड से काम नहीं करते हैं, जब मैंने उनमें लगाया तो हल्का सा भी ब्लिंक नहीं हुआ, ठीक है। बट जो पोर्ट परफेक्टली काम करते हैं, इसमें ऑलरेडी कार्ड चल रहे हैं मदरबोर्ड के पोर्ट, पीसीआई एक्सप्रेस पोर्ट, उसमें जब मैं लगाता तो ये हल्का सा बस स्टार्टिंग में आधा एक सेकंड के लिए ब्लिंक होता है। क्या इतना ही इंडिकेशन मिल रहा है क्या अपने को इस टेस्टर से? क्या ये अपने लिए यूजफुल नहीं है? आई डोंट नो यार, और थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। बट आई थिंक इसमें आप सब लोग जो जो इलेक्ट्रिकल से यूज हुए हैं, जो कंप्यूटर से यूज हुए हैं, इसके अंदर जो छोटा सा कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोल जो भी लगा उससे यूज हुए, आप मेरे को चेक करके बताओ यार। यू नो वी ऑल हैव टू मेक दिस वर्क, ठीक है। मैं इसका लिंक भी आपको अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, तो यू कैन गो टू दैट लिंक, आप इसके स्पेसिफिकेशन भी चेक कर सकते हो। इसका मैं और ट्राई करता रहता हूँ। इसमें यार यहाँ पे एक रीसेट बटन भी है, जो आप थोड़ा टेस्टिंग कर लो तो यू कैन जस्ट रीसेट। बहुत ही सिंपल है यार, बेसिकली ये एम्प्स और वोल्टेज दिखा रहा है आपके यूएसबी कनेक्शन से। तो मैंने जो सोचा था ना कि जो थोड़ा तो डेटा ट्रांसफर हो रहा है कार्ड टू द मदरबोर्ड, तो वो थोड़ा डेटा कुछ तो पावर लेता ही होगा, यू नो इट्स नॉट पॉसिबल कि बिना पावर लिए ये ट्रांसफर हो जाए। तो लेट्स सी यार, मैं इसका एक अपडेट वीडियो बनाऊंगा। बट यार आई थिंक वी कैन यूज दिस 300 rupees डिवाइस टू टेस्ट अवर मदरबोर्ड पोर्ट्स और टेस्ट अवर राइजर्स, ठीक है। ईजिली हर कोई यूज कर सकता है, यू डोंट नीड टू बी एक्सपर्ट, ठीक है। आज के वीडियो में अपन ने ये टेस्ट करके निकाला है कि यार जो पोर्ट काम कर रहा है ना, उस पोर्ट में अगर आप ये लगा रहे हो ना, तो फॉर अ सेकेंड ये ब्लिंक होगा स्टार्टिंग में। और जिस पोर्ट में मैं क्या बोलते हैं, जो पोर्ट काम नहीं कर रहा ना मदरबोर्ड में, अगर मैं उसमें लगा रहा हूँ ना, तो ये एक सेकेंड को भी ब्लिंक नहीं हो रहा है, ओके। तो दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग। क्या मैं भी गलत हूँ? क्या ये जो मैंने करा ये गलत भी हो सकता है? तो आप मेरे को कमेंट में बताओ, लेट्स हेल्प ईच अदर आउट और इसको काम करके दिखाते हैं, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, इसका अपडेट बनाते रहूंगा। एंड इस वीक हम एक बहुत ही धमाके वाला वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट डाल रखा है, आप ये देख सकते हो स्क्रीन में। आप कम्युनिटी टैब में जाओगे तो वहां पर मैंने आप सबसे पूछा है विच कॉइन इज गोइंग टू द मून, ठीक है। तो ये जो हमारा नेक्स्ट ऑन माइनिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये एक प्रूफ ऑफ स्टेक है। आप अपना टाइम और एफर्ट स्टेक कर रहे हो हमारे साथ और आपको इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। आप लोग चूज करोगे कि क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट करो कि कौन सा कॉइन इज गोइंग टू द मून। ये कम्युनिटी सेक्शन में जाओ, वहां कमेंट करो, आप जो डिसाइड करोगे उसके ऊपर एक धमाकेदार वीडियो होने वाला है यार, थोड़ा बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है, ठीक है। एंड सेम टाइम आप में से जो जो एक्सपर्ट हो आईटी माइक्रो कंट्रोलर इलेक्ट्रिकल में, आप मेरे को बताओ क्या तो इसमें और मैं कुछ एड ऑन करूं या कुछ चेंज करूं। एंड लेट्स मेक इट वर्क यार, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो यार, टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।